आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। एक तरफ जहां सीतापुर पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए, वहीं कुछ पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। आपको बताते चलें, ताजा मामला सीयूपी के सीतापुर कोतवाली मोहली क्षेत्र ग्राम जगदेवा का है, जहां पर 4 माह पहले बीए की एक छात्रा को जबरन कुछ दबंगों ने अगवा कर लिया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई। 2 दिन बाद ही दबंग द्वारा पीड़ित के घर पर जाकर धमकी दी जाती है। धमकी मिलने के बाद जिस पर पीड़ित परिजनों ने मोहली थाने में तहरीर दी, लेकिन आज तक न ही मुकदमा दर्ज किया गया, न ही छात्रा की बरामदगी की गई। इतना ही नहीं, परिजनों द्वारा पुलिस पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी के थाने में बुलाकर पैसे के लेन देन पर छोड़ दिया जाता है, और थाना परिसर के अंदर ही पीड़ित परिजनों को आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले जाते हैं। सर, हम वहाँ जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन जो लिखवा कर ले जाते हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद हमको कुछ देते नहीं है वहाँ से, और FIR की कोई कॉपी नहीं देते हैं। और हमको कहते हैं, हमको 3 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, और यहाँ से मुलजिम पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं। और कोई वो हमसे झूठ बोलते हैं कि आपका केस दर्ज हो गया, लेकिन वहाँ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो हमको कोई कॉपी देते ही नहीं। योगी सरकार जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही, वहीं एक पीड़ित परिवार पर 4 माह से खुले का अत्याचार हो रहा है, जहाँ पीड़ित परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। क्या योगी सरकार में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा भी या नहीं? आरोपी की वो पकड़ी नहीं गई, ये 3 महीने पहले का आरोप है, गुमशुदगी दर्ज की गई है, और इसको नामजद मुकदमे में कल जैसा कि वादी लोगों ने कहा है, तो उसको परिवर्तित कर दिया गया है, मुकदमे की कार्रवाई हुई, उसकी बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉगिन करें www.खबरों की दुनिया.com।